हेलो भाई, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल कैट प्लस कैम में। फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं एनएक्स का एक और ट्यूटोरियल, जिसमें आज हम सीखेंगे होल मेकिंग के काउंटर सिंकिंग ऑपरेशंस के बारे में दोस्तों, कि हम काउंटर सिंकिंग का जो ऑपरेशंस है वो कैसे लगा सकते हैं कैम की हेल्प से। इससे पहले जो वीडियो में मैंने आपको सिखाया था डीप होल ड्रिलिंग के बारे में आपको बताया था, और जो ड्रिलिंग में हमने डीप होल मिलिंग लगाया था, उन दोनों के बीच डिफरेंस भी समझाया था। उम्मीद करता हूँ कि आपने वो वीडियो को देखा होगा। जिस भी फ्रेंड्स ने वो वीडियो ना देखा हो तो चैनल पर जाके उस वीडियो को देख सकता है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे काउंटर सिंकिंग ऑपरेशंस के बारे में। दोस्तों, काउंटर सिंकिंग ऑपरेशंस बेसिकली मैं आपको बता दूं कि एक तरह से होल्स होता है, जैसे हमारे पास कोई प्रीवियसली आपने होल किया हुआ है उसके ऊपर कोई काउंटर सिंक आपको करना है। जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख भी सकते हो कि इस तरह से आपके पास होल्स आपको मिलते हैं। इस तरह के होल्स अगर आपको लगाने हैं तो वो आप यूज़ कर सकते हो। किसका यूज़ करके? काउंटर सिंकिंग ऑपरेशंस का दोस्तों, आपको यूज़ करके, और उसका ही आपको टूल लेना पड़ता है जब भी आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं कि आप किसको कैसे लगाओगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास होल मेकिंग में हम आ चुके हैं। काउंटर सिंकिंग ऑपरेशन को आपको क्लिक करना है और यहाँ से ओके कर देना है। जैसे आप यहाँ पर ओके करते हो तो देखो दोस्तों, एक चीज़ आपके पास कि पहले ऑलरेडी होल होने चाहिए, तभी आपका काउंटर सिंकिंग का जो ऑपरेशन है वो लगता है। ठीक है, तो आपको होल्स कर लेने हैं पहले, यानी ड्रिलिंग ऑपरेशन आपको लगा देना है। उसके बाद हम यहाँ से वर्क पीस को सिलेक्ट करेंगे, जैसा अभी तक हम करते आ रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ से टूल को डिफाइन कर लेते हैं। टूल आप जब भी क्रिएट न्यू टूल में जाओगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास काउंटर सिंक्स का हमारे पास टूल्स है। तो इसको आपको सेलेक्ट करना है और इसको यहाँ से ओके कर देना है। जैसे ही ओके कर देते हो तो यहाँ से ये ऑटोमेटिक एक डायमीटर का एक टूल्स उठा लेता है। यहाँ पर डाया आप रख सकते हो अपने हिसाब से, या फिर अगर आपको जो टूल लेना है वो ज्योमेट्रिक के अंदर से जाके आकर लेना है तो वहाँ से भी आप वहाँ से चूज कर सकते हो। क्रिएट न्यू में जाओगे, यहाँ से यहाँ पर आपको ड्रिलिंग के ऑप्शंस में आई थिंक यहाँ पर काउंटर जो ड्रिल है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। वो होगा दोस्तों काउंटर बोर है, ये रहा दोस्तों, देखो काउंटर सिंकिंग का टूल आपको मिल गया। इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको सिंपल ओके करना है। जैसे आप ओके करते हो तो ये देखो फ्रेंड्स, आपके पास जो है काउंटर सिंकिंग का ऑपरेशन आपको यहाँ पर या होल्स आपको मिल जाएगा, जो उसके डायमीटर का होता है जो जनरली मार्केट में अवेलेबल होते हैं आपके पास। तो एक चीज़ ध्यान रखनी है, एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि जो आपका टूल होगा हमेशा आपके होल के साइज से बड़ा होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि मान लो जैसे मेरे पास जो टूल ये होल्स हैं वो 15 के होल्स हैं, वही हैं जो सेम अभी तक हम करते आ रहे हैं, 15 के होल्स पे काम किया है। तो 15 का हम टूल यहाँ पर नहीं ले सकते, उसके लिए आपके पास 16 का होगा या फिर 16.5 का होगा। कुछ इस तरह से आपको टूल्स मिल जाएंगे, वो आपको लगाने होंगे। तो ठीक है, तो यहाँ से जो मैंने टूल लिया था वो 16.5 का ही था जो मैंने वहाँ पर लिया था, तो अब मैंने वहाँ से उसको ऑलरेडी उठा चुका हूँ, तो मैं यहाँ से इसको नहीं लूँगा। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको कैंसिल कर लेते हैं क्योंकि यहाँ से हम चूज़ कर चुके हैं टूल को। उसके बाद आप यहाँ से फीचर्स डिफाइन करोगे कहाँ कहाँ पर आपको काउंटर सिंक लगाना है। एक यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, एक यहाँ पर हो जाएगा, दूसरा यहाँ पर, मतलब चारों जो होल्स हैं मैं इन सभी को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आपको ओके करना है। ओके करने के बाद अब आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि इसने देखो ऑटोमेटिक जो है मशीन साइकिल का जो हमारे पास काउंटर सिंक्स का जो पार्ट है वो ऑटोमेटिक इसने उठा लिया है, आपको लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से सीधा मशीन साइकिल्स के थ्रू अगर आप लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो। अगर आपको सिंपली सिंगल मूव्स में करना है तो वो भी आप कर सकते हो। पहले हम मशीन साइकिल पे करते हैं, उसके बाद कटिंग पैरामीटर चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, फेड करना चाहो तो कर सकते हो, किंतु फिलहाल हम नहीं करेंगे। वो वही उठा लेगा जो इसके अंदर चल रही है। अगर आप अपने मर्जी से ऐड करना चाहते हो तो आप ऐड कर सकते हो, कितनी आपको स्पिंडल स्पीड रखनी है वगैरह वगैरह। उसके बाद आपको यहाँ से जनरेट करना है प्रोग्राम को। जैसे ही आप यहाँ पर जनरेट कर देते हो तो उसके बाद आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई जब आप करोगे दोस्तों तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ करके। जैसे मैंने यहाँ से इसको वेरीफाई किया और ये देखो इसने कर दिया, यहाँ पर भी कर दिया और यहाँ पर भी इसने होल दिया। तो देखो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर उसने कर तो दिया किंतु यहाँ पर डिफरेंस दिखाई नहीं दे रहा, मुझे होल्स दिखाई नहीं दे रहा। तो वो देखने के लिए यानी सिमुलेशंस में आपको नहीं दिखेगा वो, जैसे हमारे पास थ्रेडिंग के अंदर प्रॉब्लम हुई थी। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हम क्या करेंगे यहाँ से सबसे पहले जो बॉडीज़ होती है उसको, यानी इस बॉडीज़ को हम यहाँ से गायब कर देंगे। इसको मैं ओके कर लेता हूँ। गायब करने का मतलब इसको हम हाइड कर देंगे, इस तरह से मैंने हाइड कर दिया। अब आप यहाँ से करना चाहो तो आप कर सकते हो, स्केच को भी, मैं इन स्केचेस को भी है यहाँ से हाइड कर देता हूँ, ये आपके हाइड हो जाएंगे यहाँ से। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, काउंटर सिंक्स का ऑपरेशंस लगाते हैं दोबारा, इसको मतलब दोबारा वेरीफाई करते हैं। तो आपको दिखेगा उसके अंदर डिफरेंसेस कि आपको जो सिमुलेशन के अंदर है वो करते हुए दिखेंगे दोस्तों। ओके करता हूँ, ये देखो
यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे कि किस तरह से उसने क्या क्या काउंटर सिंक्स कर दिया आपके होल्स को। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो यहाँ पर उसने होल्स को काउंटर सिंक्स कर दिया है, तो ये चीज़ आप यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो अपनी मर्जी से कहाँ कहाँ पर आपको काउंटर सिंक्स करना है, वो चीज़ आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ से सिंपल आपको ओके करना है, जैसे ओके करोगे तो वापस चला जाएगा। अगर आपको बॉडीज़ को लेके आना है तो यहाँ से बॉडीज़ पर ओके करो, स्केच को लेके आना है तो स्केच पर ओके करो, तो स्केच और बॉडीज़ दोनों आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपने ओके किया, ये तो था सिंपल। अब जब मैं इसका प्रोग्राम आपको दिखाता हूँ, मैंने आपको यहाँ से आप इसका प्रोग्राम निकालोगे पोस्ट प्रोसेस के थ्रू, जैसे कि हम अभी तक देखते आ रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो इसने इसका प्रोग्राम बनाया है यहाँ पर, ये देखो एक साइकिल के थ्रू दोस्तों उसने उठाया, यानी यहाँ पर एक साइकिल लगा दी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वो मशीन साइकिल, जब भी आप मशीन साइकिल लगाओगे तो मशीन साइकिल के थ्रू उठाएगा। तो यहाँ पर इसने G81 का यूज़ किया है काउंटर सिंक्स लगाने के लिए, बेसिकली X20 Y20 पर। उसके बाद ये कहाँ कहाँ जा रहा है वो वैल्यू ये देगा, जेड की माइनस, यानी जेड में कहाँ तक उसने वैल्यू दिया वो यहाँ पर 8.28 तक रखा है। अगर आप इसको एडिट करना चाहो तो आप अपनी मर्जी से इसको एडिट कर सकते हो, ज़्यादा रख सकते हो, आर की वैल्यू इसने डिफाइन कर ली है। तो दोस्तों ये इस तरह से क्या करेगा, मशीन साइकिल्स पे आपको लगा देगा। अगर आपको मशीन साइकिल पे नहीं चाहिए तो आप यहाँ से दोबारा आप काउंटर सिंक्स के अंदर आ सकते हो, मशीन साइकिल की जगह सिंगल मूव पे आप जा सकते हो। सिंपल ड्रिलिंग भी करोगे तो चल जाएगा दोस्तों। यहाँ से सिंपल मैं इसको ड्रिलिंग रखता हूँ, ओके करता हूँ, प्रोग्राम को जनरेट कर दिया मैंने और यहाँ से ओके कर दिया, इसको वेरीफाई नहीं करेंगे। सीधा मैं प्रोग्राम आपको निकाल के दिखाता हूँ, यहाँ से ओके करना है और ये चीज़ ओके करने के बाद आप यहाँ पर आप देख पाओगे डिफरेंसेस उसके बीच में कि अब जो उठाया है उसने कोई साइकिल नहीं लगाया है, सीधा वो पॉइंट तक गया है। मान लो पहले Z-4 तक जाएगा, फिर Z-8 तक जाएगा, तो इस तरह से वो क्या करेगा, काउंटर सिंक्स का ऑपरेशन से वहाँ पर पूरा करेगा दोस्तों। तो आपको जिस तरह से आपको रखना है आप निकाल सकते हो। तो ये था दोस्तों आपको काउंटर सिंक्स आप कैसे कर सकते हो अपने प्रोग्राम के अंदर, किस तरह से लगा सकते हो कैब की हेल्प से। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पर अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।